ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हम पढ़ाने के लिए आए हैं, ठीक है। और इसमें दो टॉपिक्स होते हैं, एक है फिजिकल ज्योग्राफी और एक है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना। फिजिकल ज्योग्राफी में तीन चीजें हैं, क्या क्या है? क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, फिर ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान, और फिर जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, यानी भू आकृति विज्ञान, ठीक। ये तीन टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भी हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, क्या क्या? नॉर्दर्न माउंटेन रीजन और क्या किया है? नॉर्दर्न प्लेन्स अभी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? यहां से कर रहे हैं। फिर जब आपका एंड होगा साइकिल तो कहां से एंड होगा? यहां से होगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये तो रहा जो लोग आ जाए, अब हम लोग आते हैं कहां पर? इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ा रहे थे आप लोग को? इंडियन फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में क्या क्या किए थे, क्या क्या है पहले ये बताइए। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स है, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और फिर कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स है, यही है। हमने नॉर्दर्न माउंटेन रीजन आपको पढ़ा दिया। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन में कितने तरह के माउंटेन है? ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद है ग्रेट हिमालय, और फिर है पूर्वांचल हिल्स। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से रेंजेस हैं? काराकोरम, लद्दाख और जैस्कर, यही है। काराकोरम में, काराकोरम की हाईएस्ट पीक क्या थी? K2 गॉडविन ऑस्टिन, यही था। इसके बाद हम लोग आ गए थे लद्दाख, लद्दाख की है राका कोशी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जैस्कर रेंज। जैस्कर रेंज के बाद हम लोग फिर आ गए थे किस पे? ग्रेट हिमालय में आए थे, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में क्या क्या है? ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, और फिर शिवालिक, यही है, ठीक है ना। ग्रेटर हिमालय में हम लोगों ने 9 पीक्स पढ़ी, कितनी पीक्स पढ़ी थी? 11 पढ़ी थी, ठीक है ना। हम लोग पहले उत्तराखंड की देखते हैं, पहली कौन सी थी? दूनागिरी, फिर कौन सी थी? चांगाबांगा, फिर नंदा देवी, फिर नंदा कोट, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ। फिर हम लोग देखे थे नेपाल में, नेपाल में देखा था धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद माउंट एवरेस्ट, और फिर मकालू, यही है, यही था। और इसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा में क्या था? सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर है, यही बात बोले थे। उसके बाद हमने आपको माउंटेन पासेस पढ़ाए थे, वो क्या था? हाँ, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय में पीर पांजल रेंज, फिर धौलाधर रेंज, फिर हाँ, फिर नागटिब्बा और मसूरी रेंज, और फिर महाभारत रेंज, यही था। पीर पांजल रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में क्या है? कश्मीर वैली है। धौलाधर और ग्रेटर हिमालय के बीच में क्या है? कुल्लू वैली। फिर उसके बाद कांगड़ा वैली है, किसके बीच में? आपके नागटिब्बा या मसूरी रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में। और महाभारत रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में क्या है? काठमांडू, यही तक हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था माउंटेन पासेस। माउंटेन पासेस में सबसे पहले देखा था जम्मू से श्रीनगर, कौन से पास से? बनिहाल। फिर श्रीनगर से कारगिल, जोजिला। फिर कारगिल से ले, पोटूला, यही था। फिर उसके बाद ले से हम लोग जा रहे थे पैंगोंग सो, किसे जा रहे थे? चांगला। फिर ले से जा रहे थे कहां? डेमचौक। किसे जा रहे थे? उमिंगला। फिर हम लोग मनाली में थे, और मनाली से हम लोगों को जाना था ले। मनाली से ओल्ड रूट है वो किससे जाता था? रोहतांग पास, यही था। उसके बाद फिर हम लोग अब नया जो पाथ है वो कौन सा है? अटल टनल, यानी हम लोग अटल टनल और बारालाचा पास होते हुए कहां पहुंचते हैं? लेह पहुंचते हैं, यही था। लेह से सियाचिन जाने के लिए कौन सा है? खारडुंगला, क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा? खारडुंगला, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने चाइना बॉर्डर पे देखा था, नहीं, फिर देखा था पेंसिला, कारगिल टू जैस्कर, यही था।
फिर उसके बाद एक था पीओके जाने के लिए चोरबाग पास, यही था। इसके बाद फिर इसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर पे देखना स्टार्ट किया लद्दाख रीजन में, तो एक था काराकोरम पास, दूसरा था अघेल पास, तीसरा था खुंजेराव और फिर था मिंटका, यही था याद आ रहा है ना, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में एक है कौन सा, शिव किला। लेक मानसरोवर जाने के लिए हम लोग अगर तिब्बत जाना है तो किससे जाते हैं, शिव किला, यही था ना, है ना। उसके बाद फिर उत्तराखंड मूलिंगला, माना पास, नीति पास और लीपू लेक, यही था, याद है ना सब। इसके बाद हम लोग आ गए थे सिक्किम, नाथुला और जिलेपला। फिर अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पड़े थे, बोमडिला और यांगयाप पास, यही तक हुआ था। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था क्या, पूर्वांचल हिल्स। अच्छा, बीच में एक शिवालिक भी, लेसर के बाद शिवालिक भी था। शिवालिक में जम्मू हिल्स कहते थे, फिर उत्तराखंड में क्या कहते थे, धांग या दुर्वा, यही कहते थे। नेपाल में चूड़ियाघाट और अरुणाचल प्रदेश में यानी नॉर्थ ईस्ट में दाफला, मीरी, अबोर और मिश्री, यही था ना, ठीक, यहां तक हो गया। इसके बाद हम लोग पूर्वांचल इसमें देखेंगे तो कौन सा देखेंगे, पटकाई वो, ये कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर नागा हिल्स नागालैंड में, फिर लामाटोल या मणिपुर में, मणिपुरी हिल्स कहां है, मणिपुर में है कि नहीं। उसके बाद मिजोरम में मिजो हिल्स था। इसके बाद फिर त्रिपुरा में त्रिपुरी हिल्स और फिर बैरन रेंज असम मेघालय बॉर्डर पे और मिकिर रेंज कहां है, असम। और यहीं पर हमने कहा था मेघालय पठार का भी अगर हम लोग जान लें, गारो, खासी और जयंतिया, तो पूर्वांचल के सारे हो गए कि नहीं हो गए, आई समझ में बात, यहां तक हुआ था। यहां पे हमने क्या खत्म कर दिया था, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, ठीक हो गया। इसके बाद फिर रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, रीजनल डिवीजन में हम लोग चलिए देख लेते हैं यहां पर। देखिए देखिएगा, हम लोगों ने कल जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एक तो यहां पर अरावली रेंज है, कहां पर, इस जगह पर है कि नहीं, है ना, अरावली रेंज। तो अरावली रेंज के नॉर्दर्न प्लेन्स में हम लोगों ने देखा था, अरावली रेंज के कहां, वेस्टर्न साइड कौन सा था, राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन को भी हमने 25 सेंटीमीटर आईसो हाइट से क्या किया था, डिवाइड किया था और क्या कहा कि 25 सेंटीमीटर आईसो हाइट के वेस्टर्न साइड क्या है, थार डेजर्ट है कि नहीं। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता था, क्या देखने को मिल रहा था, यहां पर थार डेजर्ट था यहां पे, ठीक, थार डेजर्ट। और साथ में इसके थोड़ा और आगे आ जाएंगे तो कौन सा है ये, राजस्थान बागर प्लेन, जहां से कौन सी रिवर जा रही थी, लूनी और सलाइन लेक थे, कौन से, सांभर और डिंडवाना, यही था ना, ठीक। अब देखिए इसके आगे फिर हम लोग जाएंगे कहां पे, सतलज का प्लेन, कहां जाएंगे, सतलज का प्लेन, यहां ये क्या है, सतलज का प्लेन। सतलज के प्लेन में हमने क्या बताया था आपको, पंच दोआब, क्या बताया था, पंच दोआब। पंच दोआब में क्या था, इंडस से झेलम, सिंधु सागर, झेलम से चेनाब, छाज, चेनाब से रावी, रचना, रावी से फिर 20 बारी और 20 से लेकर सतलज तक क्या है, बेस्ट, यही बताया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था मालवा प्लेन, देखा था मालवा प्लेन कहां से कहां तक था, सतलज से घग्गर और फिर घग्गर से यमुना क्या था, हरियाणा, भिवानी, बागर। फिर हम लोग देखे थे गंगा प्लेन और गंगा प्लेन है यहां पर, कहां पर, ये क्या है आपका,
गंगा प्लेन, अपर गंगा, लोअर गंगा और बीच में क्या है, मिडिल गंगा, है ना, ठीक है, यही था। तो यहां पे अपर गंगा रोहिलखंड का क्षेत्र है, ठीक है, मिडिल गंगा अवध का क्षेत्र है, और इसके इधर आएंगे तो पटना के इधर साइड, ईस्टर्न साइड, और आपका पश्चिम बंगाल, ये कहां है, लोअर गंगा के प्लेन में आता है। यहां तक कल बात हुई थी, लिखा भी दिए थे, यहां तक लिखा दिए थे, थैंक यू। अब देखिए, अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, वो है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये ठीक है ना। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये प्लेन यहां से लेकर यहां जाने पे इसकी विड्थ बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रही है, बताइए। यहां पे कम चौड़ा है, नैरो है, और यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं, और ऐसा है भी, कैसे, यहां पे असम, ब्रह्मपुत्र प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, असम प्लेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, असम प्लेन। और ये जो असम प्लेन है, ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, बीच में, बीच में देखने को मिलेगा आपको माजुली द्वीप, यहां पर क्या देखने को मिलेगा, माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड क्या है, कोई जानता है, नहीं जानता है, तो माजुली आइलैंड जो है दो रिवर्स के कारण उनके लाए गए सेडिमेंट से बना है, उसे क्या कह रहे हैं हम लोग, माजुली आइलैंड। ये क्या है, ये एक रिवराइन आइलैंड है, माजुली आइलैंड क्या है, रिवराइन आइलैंड, मतलब रिवर के द्वारा बना है, और ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड है, मतलब दो नदियां जा रही हैं, एक है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, एक कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा, और एक रिवर है आपकी ऐसे आती है सुबनसिरी, क्या नाम है इसका, सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी। सुबनसिरी रिवर, तो दो रिवर के कारण सेडिमेंट्स जमा हो गए और कौन सा आइलैंड बन गया, माजुली आइलैंड, कौन सा बन गया, माजुली आइलैंड, ठीक है। ये असम में, देखिए एटलस में दिखेगा आप लोग को, देखिए, देखा सब लोग लाए हैं एटलस की नहीं, लाए ना, खोलिए देखिए, देख गया, देखा, ठीक है ना। तो यहां पे बात हो रही थी, बीच में माजुली की भी बात चलने लगी, असम में जो इसका विड्थ है वो कितना है, सिर्फ 90 किलोमीटर है, कितना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे आके मान लीजिए कि इस रीजन में क्या है, प्रयागराज के आसपास है, कितना, 280 किलोमीटर, कितना है, 280 किलोमीटर, ठीक। और उसके बाद जैसे ही आप पंजाब की तरफ आते हैं या इस तरफ आते हैं, ये इसकी विड्थ क्या हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ जाए कि ईस्ट टू वेस्ट जाने पर प्लेन, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन की विड्थ बढ़ रही है, तो सही है कि गलत, सही है ना, है ना, ठीक है ना, इसको बना लीजिए, बना लीजिए, फिर उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र प्लेन आपको लिखा भी देते हैं, ठीक है, बनाइए, लिखिए ब्रह्मपुत्र प्लेन, लिखिए, द प्लेन ऑफ असम आर कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्र प्लेन, आर कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्र प्लेन, फर्स्ट ऑफ द स्लोप ऑफ दिस प्लेन इज फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस प्लेन इज फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस प्लेन इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे आती है कि नहीं, ऐसे आ रही है, देख रहे ना, इस तरह, तो ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, इसका मतलब क्या होगा, जो स्लोप होगा इस प्लेन का वो कैसा होगा, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है ना। तुम क्या लिखेंगे, द स्लोप ऑफ दिस प्लेन इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है ना। चलिए आगे लिखिए, दिस रीजन इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ
राइस, दिस रीजन इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड जूट एंड जूट राइस एंड जूट ठीक है। तो जूट क्या है देखिए ना, जो हम लोग क्या बोरा वगैरह है वो किससे बनते हैं, जूट से, ठीक है ना। तो इस रीजन में क्या है, जूट और राइस की सबसे ज्यादा क्या होती है, मतलब इसी का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। एक तो हो गया ये, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट साइन लिखिए, माजुली इज सच एन आईलैंड, माजुली इज सच एन आईलैंड विच इज इन असम, माजुली इज सच एन आईलैंड विच इज इन असम। फर्स्ट ऑफ इट इज लार्जेस्ट रिवराइन आईलैंड, इट इज लार्जेस्ट रिवराइन आईलैंड इन द वर्ल्ड इट इज द लार्जेस्ट रिवराइन, रिवराइन मतलब हाँ ठीक है ना, रिवर के द्वारा बन रहा है, ठीक है। इट इज लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड मेड अप बाय द रिवर्स कॉल्ड ब्रह्मपुत्र एंड सुबनसिरी रिवर ठीक है। आई बस समझ में आ गई। तो ये है क्या आपका नॉर्दर्न प्लेन रीजन, ठीक है, ठीक है ना। इसके ऊपर की बात हो ही चुकी है पूरी, हम लोगों ने कहां से, यहां से शुरू किया था और पूरा का पूरा क्या किया, यहां तक खत्म किया और उसके बाद क्या खत्म कर लिया, अब क्या खत्म करेंगे अभी। हाँ एक चीज बाकी है, क्या, स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अच्छा हिंदी में नहीं लिखा है अभी, हाँ ठीक है लिखिए। असम में स्थित मैदान को ब्रह्मपुत्र मैदान कहा जाता है। इसकी ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है तथा यहां पर धान और जूट की खेती की जाती है। फिर आगे लिखिए, यहां विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप के रूप में अवस्थित है जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा सुबनसिरी नदियों द्वारा हुआ है ठीक है, हो गया ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, रीजनल डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स,
देखिए हेडिंग डालिए, सॉरी रीजनल हो गया ना, स्ट्रक्चरल। देखिए स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स, रीजनल हो गया है, क्या करना है आपको? स्ट्रक्चरल, ठीक है, यानी जो उत्तरी मैदान है उसकी संरचनात्मक स्तर पे क्या विभाजन है, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना? आई बात समझ? तो इसे हम लोग चार तरीके से देखते हैं। आप में से कई लोग इसको जानते भी होंगे शायद, अगर पढ़े होंगे कभी तो। क्या है वो? एक है आपका क्या, भाबर। क्या है? भाबर रीजन। क्या है? भाबर। दूसरा है तराई रीजन। क्या है? भाबर और तराई, ठीक है। और उसके बाद क्या है? बांगर। क्या है? बांगर और फिर है खादर, ठीक है, यही है। तो यही क्या है? यही है आपका स्ट्रक्चरल डिवीजन, किसका? ग्रेट प्लेन्स का, ठीक है ना? तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं पिक्चराइज फॉर्म में। देखिए ये हम बना रहे हैं क्या, सब आपको एक साथ समझाने के लिए, क्या क्या, भाबर, तराई और बांगर और खादर, ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या है, ये आपका, ये तो पूरा हिमालय रीजन है, दिख रहा है ना? क्या ये हिमालय, इसमें ये क्या है, ये है आपका शिवालिक। क्या है? शिवालिक, ठीक है कि नहीं? तो शिवालिक्स के फुटहिल्स पर, शिवालिक्स के फुटहिल्स पर, या कह लीजिए हिंदी में कहेंगे गिरिपथ पर, क्या होगा? यहां पर ये दिख रहा है ना आपको, बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर या पत्थर, वो नदियों द्वारा कहां लाए जाते हैं? यहां तक, ठीक है ना? होगा क्या कि जब भी रिवर यहां से आएगी, यहां से, तो चूंकि यहां पर बड़े बड़े बोल्डर हैं, तो उसमें क्या होगा, नदियां यहां पर विलुप्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? हिडन हो जाएंगी। यहां पे नदियां आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? उसके बाद क्या होगा, जब यहां से इधर आएगी तो यहां पे अब छोटे छोटे कंकड़ दिखेंगे। क्या दिखेंगे? कंकड़, पेबल्स वगैरह, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे सॉयल फॉर्मेशन तो उस तरीके का नहीं है, लेकिन यहां पर चूंकि कंकड़ वगैरह है, फिर भी यहां पर जब नदियां आएंगी यहां पर, तो वो थोड़ी थोड़ी दिखने लगेंगी। क्या होगा? दिखेंगी। और इस रीजन में क्या हो जाएगा? मॉइस्चर आ जाएगा। क्या जाएगा? मॉइस्चर, ठीक है। उसके बाद ये रिवर आगे बढ़ेगी, रिवर आगे बढ़ेगी, मान लेते हैं कि ये रिवर है, यहां से आई, यहां पर एक्सटेंट हो गई, फिर उसके बाद हल्की हल्की यहां पर दिखने लगी, ठीक, ठीक है ना? तो एक तो पोर्शन हो गया ये, तो ये क्या है आपका, ये वाला रीजन क्या है? ये है आपका भाबर रीजन। क्या है? भाबर रीजन। भाबर रीजन मतलब जहां पर आकर रिवर क्या हो रही है? विलुप्त हो जा रही है। अब यहां पर रिवर नहीं दिखेगी, ठीक। उसके बाद हम लोग कहां पहुंच गए? अब तराई। यहां पे रिवर अपने पूरे स्वरूप में तो नहीं, लेकिन हां थोड़ी थोड़ी रिवर दिखने लगती है। तो यहां पे ह्यूमिडिटी आ जाएगी कि नहीं आएगी? आएगी। उसके बाद अच्छा देखिए एक और बात भी है, यहां पर क्योंकि बारिश बहुत होती है, क्या होती है? बारिश, ठीक। जिस कारण से यहां पर क्या देखने को मिलते हैं आपको? घने जंगल। क्या देखने को मिलते हैं? घने जंगल। किस रीजन में? भाबर रीजन में, ठीक। तो भाबर में अगर घने जंगल होंगे तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह कहां देखने को मिलती है? यहीं पर, ठीक। आप देखिएगा पूरे के पूरे भाबर रीजन और तराई रीजन में आपको यूपी, बिहार में भी है, यूपी में भी है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना? अब देखिए आगे, तो यहां पे क्या है, यहां पे भी ह्यूमिडिटी आ गई, मॉइस्चर आ गया, क्या क्या? मॉइस्चर। तो यहां पे जब मॉइस्चर आएगा तो यहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? घने जंगल। क्या देखने को मिलेंगे? घने जंगल। हालांकि अब चूंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है
तो यहां पे अब क्या किया जाने लगा, यहां पे अब एग्रीकल्चर भी हो रहा है। ठीक, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट भी है और एग्रीकल्चर भी होता है। ठीक है, ये हो गई बात। इसके बाद अब आ जाइए यहां पे, ये क्या है आपकी रिवर वैली, ये क्या है रिवर वैली। ठीक है, यहां पे क्या है पानी है। ठीक, अब समझना है हमको क्या खादर और बांगर में क्या डिफरेंस है। खादर और बांगर, बांगर रीजन ये थोड़ा ऊपर है, हाइट में क्या है थोड़ा ज्यादा है। ठीक, क्या है आपका बांगर रीजन है। ठीक है, और ये जो नदी से लगा हुआ है जो थोड़ा नीचे है, या ये कह लीजिए कि रिवर वैली के बेस पर ही है, वो क्या है आपका खादर रीजन। इसे क्या कहेंगे हम लोग, खादर रीजन। आया समझ में कि नहीं आया? ये क्या है, ये है आपकी रिवर वैली। क्या है ये रिवर वैली। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या खादर और बांगर में क्या डिफरेंस है। तो खादर में क्या होता है कि हर वर्ष ये पानी कहां आ जाता है, यहां हर वर्ष आ जाता है। ठीक है, तो जब पानी वैली से बाहर आएगा, पानी वैली से बाहर आएगा तो साथ में सेडिमेंट्स लाएगा कि नहीं लाएगा, यहां पे क्या हो जाएंगे सेडिमेंट्स आ जाएंगे। यानी हर वर्ष क्या हो रहा है नए सेडिमेंट्स आ रहे हैं, नए जो अवसाद जो भी है वो क्या आ रहा है नया आ रहा है। तो यहां पे कैसी मृदा होगी या मिट सॉइल होगी, एलुवियल सॉइल। कौन सी होगी, और एलुवियल तो ये भी है लेकिन ये कौन सी है न्यू एलुवियल सॉइल है। क्या है न्यू, क्यों, क्योंकि हर वर्ष यहां वैली से पानी आउटफ्लो होता है और बाहर जाता है, साथ में क्या लेके जाता है सेडिमेंट्स। आई बात समझ में। तो ये क्या है आपका, ये रीजन क्या है आपका खादर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आई बात समझ में। वही यहां पे हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभार होता है, 5 साल 6 साल में, या फ्रिक्वेंटली नहीं कभी कभार यहां पे भी इसका पानी आ जाता है। जब आता है तो यहां पे भी क्या करेगा अवसाद लाएगा, सेडिमेंट्स लाएगा और यहां की भी सॉइल चेंज करता है, लेकिन हर वर्ष नहीं होता है ऐसा। चूंकि हर वर्ष नहीं होता है इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं बांगर रीजन, यानी यहां पर क्या है ओल्ड एलुवियल सॉइल। क्या है यहां पर ओल्ड एलुवियल सॉइल। आई बात समझ में। तो भाबर, तराई और बांगर और खादर में डिफरेंस समझ में आया, आया कि नहीं आ गया, नहीं आया तो एक और पिक्चर से समझते हैं। ठीक, देखिए ये मान लेते हैं आपका क्या है शिवालिक्स है। क्या है ये शिवालिक्स। ठीक है ना, इन शिवालिक्स के नीचे फुटेल्स पे क्या बताया मैंने अभी आपको, क्या बताया बोल्डर्स, बताया कि नहीं बड़े बड़े पत्थर हैं ये। ठीक है, ठीक है ना, उसके नीचे क्या है पेबल्स वगैरह, मान यानी छोटे छोटे कंकड़ हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, छोटे छोटे कंकड़ हैं। इसके बाद अगर आप देखिए तो यहां पे मान लेते हैं कि ये रीजन कौन सा है आपका बांगर रीजन है। ठीक है, और बीच में कौन सा रीजन है आपका, ये रिवर वैली है। क्या है रिवर वैली, और ये क्या है खादर का रीजन है, ये क्या है बांगर। ठीक है, लिख देते हैं यहां पर क्या बांगर, बांगर और यहां पे क्या लिख दिए खादर और खादर।
ठीक है, आई समझ में बात। उसके बाद ये वाला इलाका क्या है आपका, भाबर है कि नहीं है, भाबर ही है। और ये क्या है, तराई, ठीक। अब देखिए नदियां यहां से आ रही हैं, आ रही है कि नहीं, यहां से नदी आई, ठीक। यहां पे क्या हो जाएगी, हाइट कर जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद हल्की हल्की कहां दिखेगी, ठीक है, ठीक। उसके बाद वो नदी कहां जाएगी, वैली में, ठीक है। ऐसे बना दीजिए फिलहाल, सही है, आएगा। अब ये वैली के सबसे बेस पर क्या है, हादर, यानी वैली से जैसे ही पानी ज्यादा होगा आउटफ्लो करेगा किधर, इस तरफ, इस तरफ करेगा तो क्या लेकर आएगा, सेडिमेंट्स, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों क्या है, हाइट पर है, इससे ऊपर ये और ये, तो यहां पर आपको हर वर्ष सेडिमेंट्स आते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहां पर हर वर्ष पानी ही नहीं आ रहा है। आई बात समझ में, अब ये वाला डायग्राम समझ में आया, आया। पहले इसको बनाइए ये वाला, और फिर बनाइए ये वाला, ठीक है। पहले ये वाला ही बनाना है, ठीक, ठीक है, हो गया। क्या हुआ, साइड, ओके।